हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन ब्यूटी एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिक्स पर कॉन्ट्यूरिंग ब्लश हाइलाइटर कैसे लगाएं, इसका लगाने का क्या तरीका होता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसके लिए क्रीम कॉन्ट्यूरिंग ले रही हूँ। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ईयर से लिप की डायरेक्शन में, यहाँ तक। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। आपको एक थिक लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैं दूसरी साइड भी लाइन ड्रॉ कर लूंगी बिल्कुल इसी तरह से। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है दोनों साइड्स। ये मैंने एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। अब इस लाइन को ब्लेंड करूंगी इस तरह से। आपको इसे ड्रैग नहीं करना है, इसी तरह से ब्लेंड करना है डैप मोशन में। इसमें आपको अपना हैंड जहां आपका कॉन्ट्यूरिंग है वहां पर ही डैप करना है। थोड़ा भी ऊपर नीचे डैप नहीं करना है, नहीं तो आपकी कॉन्ट्यूरिंग खराब भी हो सकती है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए। अब मैं इसके ऊपर पाउडर लगा रही हूँ। आप लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपने क्रीम कॉन्ट्यूरिंग किया है तो कॉन्ट्यूरिंग कंप्लीट हो गया है। और अब मैं ब्लश लगाऊंगी। ये मैंने राउंड ब्रश लिया है। ये मैंने चीक बोन्स पर जहां मैंने कॉन्ट्यूरिंग करना स्टार्ट किया था वहां पर पहले ऐसे करते हुए कॉन्ट्यूरिंग से जस्ट हल्का सा ऊपर नीचे की तरफ लाते हुए इसको लगाना है, हल्का सा स्माइल करते हुए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके चीक्स एग्जैक्टली कहां पर हैं और ये आपको कहां तक लेकर जाना है। इस तरह से दूसरी साइड भी आपको ये अप्लाई करना है। इसे इस तरह से ब्लेंड करना है ईयर्स की तरफ। यहाँ थोड़ा सा ज्यादा रहने दें, आगे की तरफ ये ज्यादा ना हो। कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह का लगेगा। अब मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। हाइलाइटर के लिए जो चिकबोन होता है ये आपको फील होगा यहाँ पर, आपको ये हाइलाइटर एग्जैक्टली यहाँ पर ही लगाना है। अब एक ब्रश की हेल्प से मैं ये हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी। आईज की तरफ ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आईज की तरफ इसको ज्यादा ना लगाएं। ये एग्जैक्टली आपकी चिक्स बोन पर होना चाहिए और हल्का सा ऊपर की तरफ ले जाते हुए ब्रश इसको आप ब्लेंड करें अच्छी तरह से। ब्लेंड करना है बेसिकली। ये कॉन्ट्यूर ब्लश हाईलाइट एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करना होता है, इसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना होता है इस तरह से। तो ये हमारा कॉन्ट्यूरिंग ब्लश हाईलाइट कंप्लीट है। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।